दी गई हैं। इस्लामाबाद आप जाएंगे ना, उन्हें थैलियाँ बैन कर दी हैं। वो तो हमारे मुल्क का हिस्सा है। कराची सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर है पाकिस्तान का। मैंने KMC की मार्केटों में कोशिश की है कि मैं थैलियों को एब्सोल्युटली बैन करूँ, और आइंदा चंद रोज़ में कोई ना कोई एक पहली मार्केट में आपको दूंगा जहाँ पे इस बैन को हम 100% इन्फोर्स कराएंगे। मैं रिजवान भाई आपसे, हाजी साहब आपसे, आप अपनी एसोसिएशन के साथ बैठे हैं, आप तो ना सालन बेचते हैं ना कचौरियाँ बेचते हैं, आप तो डब्बे बेच रहे हैं ना। इस डब्बे के लिए थैली की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि अपने लोगों को कायल करें और ये मिसाल दें आप हमको, हमें बताएं। हम दुनिया भर में जाके कहेंगे, अपने लोगों के सामने कहेंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया, एसोसिएशन ने मुझे कहा कि सर हम लब्बैक कहते हैं इस बैन के ऊपर, हमारी मार्केट में अब हमारी मार्केट में थैलियाँ नहीं होंगी। और आपके पास कोई ग्राहक आता है, आप उसको कहें ये हमने मोबाइल फ़ोन आपको दिया है, या आप ले लीजिए, अपने बैग में डालें, अपने पर्स में डालें, अपने कपड़े के बैग में डालें, अपनी बगल में रखें, मदद करें। और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे फ़ायदा होगा। आपकी अपनी मार्केट के बीच में से BVS के पीछे से नाला जा रहा है, यहाँ से एक चश्मा भी निकलता है, राइट, मीठे पानी का। अमेरिका तो अगर हम ये करने में कामयाब हो पाएंगे तो भला होगा हम सबका। हाजी साहब ने बात की थी रेड लाइन की, मैं आपको अच्छी खबर देता हूँ। रेड लाइन जब मंसूबा कंसीव हुआ और जब इसकी प्रोक्योरमेंट हमने की, तब डॉलर 150 रुपये का था। आज डॉलर 310 रुपये का भी नहीं मिल रहा। इन्फ्लेशन, कॉस्ट एस्केलेशन की ऐसे मामला सुस्त रवि का शिकार हो गया। सिंध काबीना ने जाते जाते जो आखिरी सबसे बड़ा फैसला किया, वो ये फैसला किया कि एस्केलेशन को अलाउ किया जाए ताकि काम ना रुके। क्यों? क्योंकि उसे कराची वाले मुतासिर हो रहे हैं। कराची की 6 यूनिवर्सिटीज़, NED यूनिवर्सिटी हो, दाऊद हो, इस्लामिया कॉलेज हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, दारुल सेहत हो, ये सब की सब वहाँ पर वाक़े हैं, सब उसको इस्तेमाल करते हैं। लोग जो अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं उनको तकलीफ़ का सामना है। तो हमने ये मुश्किल फैसला था, कल को इस पर इल्ज़ाम लगेंगे कि प्रोजेक्ट महंगा हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, कराची वालों के लिए चीज़ करके जाएं। वो तमाम अप्रूवल हो गए, काम शुरू हो गया। अब कोशिश ये है कि काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि आपकी तकलीफ़ में कमी लाई जा सके। बसें चल रही हैं, मज़ीद बसें और चलाने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो सकें। इस तरह की और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, अपने प्लान्स शेयर कर सकता हूँ जिसमें चीज़ें बेहतर होंगी। सेफ सिटी के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। आखिरी फैसला अगेन सिंध हुकूमत जो करके गई है, इतवार के रोज़, 14 अगस्त, बल्कि मंडे को उसका मुआहिदा जो है वो हमने NRTC के साथ कर लिया है, जिसमें पहले फेज़ में 4,000 नए कैमराज जो हैं वो लगाए जाएंगे रेड जोन के अंदर और कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि अब आप फेस रीडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जो 17 लाख क्रिमिनल्स का डेटाबेस है पुलिस के पास, उसको उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल कराची शहर में सिंध हुकूमत ने की, और कोशिश करेंगे कि उस पहले फेज़ को 1 साल में मुकम्मल करें ताकि ये मामला भी आप लोगों का हल हो सके। मुझे अंदाज़ा है बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब हो, नजमी आलम हो, करमुल्ला वकासी हो, हम अफराद नहीं हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, ये बिलावल साहब की कमिटमेंट है कि काम होना चाहिए, काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, हमारे रहनुमाओं को, हमारे नुमाइंदों को पब्लिक के दरमियान मौजूद होना चाहिए ताकि उनके मसाइल समझ सकें, और उन मसाइल को हल करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। अल्लाह ताला आने वाला वक्त इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये मैं मिस कर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जो मलीर में वाकया हुआ, अफसोसनाक, शर्मनाक, ना उसको डिफेंड किया जा सकता है ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है। जिस माँ का वो बच्चा उससे बिछड़ा है, उसको मैं ये कह दूँ कि चर्सी निकाल के ले गया, तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। मैं इसलिए, लेकिन आपको इशू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं मेयर बना, मैंने पहला फैसला ये किया कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योरमेंट महंगी भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है।
तो मैं अपने बड़े बूढ़ों से सुनता था, एक ज़माने में कराची के अंदर तमाम चीज़ें इदारे ख़ुद बनाते थे। हमने पहला फैसला ये किया कि वाटर बोर्ड गटर के ढक्कन खुद बनाएगा, और हमने COD पे इसका प्लांट लगाया, काम शुरू किया। उस प्लांट की कैपेसिटी है डेली 300 से 400 ढक्कन, और तकरीबन कोई डेली 100 रिंग्स बनाने की कैपेसिटी है उसकी। उसने काम शुरू कर दिया था, 3,500 ढक्कन हमने तैयार कर लिए, और कल, और ये सबूत है पीपल्स पार्टी में और दूसरों में, कल मैंने कराची के तमाम UC चेयरमैन को, जिसमें जमात इस्लामी वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, JUI वाले भी हैं, और TLP वाले भी हैं, और मेरे पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, उन तमाम 246 नुमाइंदों को COD पर मधु किया सुबह, और हर यूसी के लिए 75-75 ढकने हम हैंडओवर करेंगे, ताकि कोई यूसी ये शिकायत ना करे कि हमारे पास ये ढकने अवेलेबल नहीं है। और उसमें आसानी हमें ये हुई कि वो 35 किलो वजनी हमने ढक्कन बनाया है, तो यूजुअली चोरी होने में शायद दिक्कत होगी, एक शायद। मैं इसलिए इस बात को, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं क्यों वाटर बोर्ड के ज़रिए इसको नहीं लगा रहा, कि सबसे बड़ा स्टेक जो है ना इलाका मकीनों के साथ वहाँ के UC चेयरमैनों का है, काउंसलर्स का है। हम उनको हैंड ओवर करेंगे कि जी आपका ये मसला था, ये आप लगाएं, और फिर लोगों के साथ बैठ के ये मेक श्योर करें कि वो चोरी ना हो। नहीं नहीं 350 से 400 ढक्कन डेली हैं, तो ये 9,000 ढक्कन हम महीने में बना सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि मार्केट से जब आप लेने जाते हैं ना, उसके मुकाबले में इसकी कॉस्ट कोई आधी है या निस बन रही है। मैं कॉस्ट कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम है, मुझे प्रोक्योरमेंट का मसला नहीं है। असल चीज़ तो ये होती है ना, मुर्तजा वहाब ने अपने जानने वाले से ढक्कन खरीद लिए, ये नहीं है। और इसी तरह की चीज़ KMC भी अब कर रही है कि पेवर ब्लॉक की अपनी फैक्ट्री लगाने जा रही है। कोरंगी में हमारे पास एक ज़मीन है, मैंने उनको ये कहा कि जी हम बजाय इसके पेवर मार्केट से ख़रीदें, ये बेसिक चीज़ें मट्टी भरी पड़ी हुई है, पेवर हम खुद बनाएं, इसको मैं पब्लिक, क्योंकि हम खुद नहीं चला पाते, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेंगे, उसको चलाएंगे, ताकि सस्ते दामों में आपको ये पेवर मिल सके। तो इंशाल्लाह कल ये काम मैं करना जा रहा हूँ। और इम्फेसाइज मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो माफिया है ना ढक्कन वाली, ये हमारी दुश्मन है। आज किसी का बच्चा गिरे, कल किसी और का गिरेगा, किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम सबको अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल करने की ज़रूरत है, उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। मैं सहाफ़ियों से पूछूं जी, जी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, चले आपने ये काम कर दिया, मतलब कोई क्वालिटी का आ जाता है। अब ये 35 किलो का वजन बजरी का अगर नहीं हुआ तो ढक्कन चल जाएगा, तो अभी तक जो ढक्कन रखे जाते हैं उठाना तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल गुजरती है और टूट के घटर के ढक्कन ढक्कन गिरता है, फिर खराब हो जाती है। अभी आपने जिन सड़कों का जिक्र किया, बड़ी सड़कों की हद तक तो सही है, लेकिन जो जो बारिश में थोड़ी हुई है, आपने भी कहा थोड़ी हुई है, जितनी सड़कें गलियों में बनी है ना, आप विजिट कर लीजिएगा, तंकीद बनाए तंकीद नहीं है, वो सड़कें सारी तबाह हो, वो इस तरह है कि मैं अपने इलाके की सड़क को भी मैंने सिर्फ पत्थर से पूछा था, अपने इंजीनियर को ईमानदारी का हम लेक्चर बहुत देते हैं, ईमानदारी छोड़ के देते हैं, अपनी इंजीनियर का जो थोड़ा सा सबक है ना वो इसमें शामिल करके। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आप भी इंजीनियर नहीं है, हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है कि हम सब कुछ हैं। सुने ना मेरी बात, मेरी बात सुने ना, जहांगीर रोड पूरी बनी नहीं थी, एक आपके दोस्त गए, उन्होंने उखाड़ के लिया है, इल्ज़ाम मुझ पर लग गया कि जी देखे अधूरी रोड, हालांकि मैंने कभी नहीं कहा था वो रोड बन गई है, रोड अभी भी कंप्लीट नहीं है उसका, मैंने बेसिक कारपेट किया है, और मैंने उनको कहा फाइनल आप तब तक नहीं करोगे तब तक मैं बारिशों में इसको टेस्ट नहीं करूँगा, सड़क को मोटरबल कर दिया, बेसिक कारपेटिंग मैंने कर दी। अंदरूनी गलियां जो है ना, मैंने आपको बताया ये KMC नहीं बनाती है, ये DMCs बनाती हैं, राइट। ये सवाल आपको बिल्कुल से पूछना चाहिए, बिल्कुल देखिए हर टाउन जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो मेरा मातहत नहीं है, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उनकी सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन काम उनका है, उनको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जो दूसरी आपने बात एक और की थी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें इसमें दो चीज़ें, इसमें हमने लोहा ऐड किया है, अब लोहे लोहे के दो नुस्खे हैं, लोहे का मतलब है चरसी तो आएंगे लेकिन अगर लोहे के बगैर में बना तो टूट जाते,
तो इसलिए मैं लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि यार ये मसला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सेवरेज में प्रॉब्लम क्या होती है। बारिश स्टार्ट हुई, लोगों ने गटर के ढक्कन खोल दिया, सारी मट्टी अंदर चले गई, लाइन सिंक हो गई। गालियाँ मुझे और नजमी साहब को पड़ेंगे। नहीं नहीं मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे लोग ढक्कन खुद निकाल लेते हैं। मैं समझता हूँ वो जो कहते हैं ना अपनी मदद आप बोल भी करते हैं। हाँ अपनी मदद आप, जो सरकार का काम है उसको करने दें। वो बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा था, बारिश होती है पानी आता है। वो काश इमरान खान जैसा आदमी अगर नहीं होता ना तो लोग शायद ये समझ पाते। अच्छा अब ये हो गए ना मेरी बात। मैं ऐड कर दूं, साथ ही जवाब दे दीजिएगा। इनके इनके साथ जो जवाब है वो ख्वारिज से भी है, तनकीद नहीं है इनके। ये भी ना समझे शहर की जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं उनके साथ जितने भी नारे हैं, आपको देखिए बात कर रहा हूँ कि जितने भी वहाँ होटल दुकानें वगैरह हैं वो सारा अपना कचरा रात को लपेटते हैं नाले में। ये हमारी ताजी बराजी का काम है। अब मैंने जैसे कहा कि कचरा नहीं हो, ये तो खैर अपने तौर पर करेंगे, तो ये जरा मार्केटों में भी ये करेंगे कचरा। सही है, नालों में और बिल्कुल सही। 60% कचरा तो हमारी मार्केटों का है। रजवान साहब छोड़ इसे, ए ए ए मैं से जवाब, बड़ा अच्छी बात की आपने। इनको क्यों कह रहे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा मेरे मैंने हम सब जिम्मेदार हैं। मुझे बताएं, मुझे बताइए, एक मिनट, कोई बात नहीं, वो फिर बुरा मान जाएंगे, कोई बात नहीं, चले 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 चले, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह घर साफ करो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, देखें मेरी बात सुने ना, हम गाड़ी की खिड़की उतारते हैं और रैपर बाहर फेंकते हैं, वो रिजवान भाई तो नहीं फेंकते ना। हम सबका ये प्रॉब्लम है, हम पॉइंट करना छोड़ दें। देखिए चार उंगलियां हमारी तरफ हैं यार, हम खुद ठीक हो जाएं, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आप बताइए, आ रहा हूँ सब सवाल है सर। चल आ रहे, अरे भाई आ रहे यार, जर्सी मवाली गैर मकामी चौकीदार वो जो कचरा कुछ ढक्कन चोर भी हैं वो ढक्कन चुरा के ले जाते हैं, उसमें आए दिन कोई ना कोई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी। लोहे के पुल कट रहे हैं गुलशन इकबाल में, लोहे के तो पुलिस अगर मोबाइल गुजर रही होती है तो उनकी भी हिम्मत नहीं है कि उन्हें उन ताकतवरों को रोके। तो वो तो देखिए मसला पुलिस को आपको देना पड़ेगा, जो ढक्कन चोरी कर रहे हैं उनको सख्त सजाएं देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये उसके लिए आप कुछ करें। दूसरा ये है कि पहले वाले मेयर बिल्कुल बेअख्तियार थे, आप इंतहाई बात किया रहे हैं। आपके बारे में तो ये सुना है कि आप सीएम के इख्तियार भी यूज कर लेते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ, हेडलाइन बने। मैं एक बाय इख्तियार शख्स हूँ। मुर्तजा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था ना तब भी इख्तियारात इस्तेमाल करता था। क्यों? क्योंकि मेरा शहर है, इस शहर को ठीक करने के लिए कोई लंदन से काबुल से नहीं आएगा, यह हमें ठीक करना है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं अपनी प्रैक्टिस करता, मज़े करता। लेकिन जब यहाँ बच्चे रह रहे हैं, खुद रह रहा हूँ, रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, आप जैसे मोहसिन रहते हैं ना, तो फिर किसी ना किसी को तो मैदान में उतरना पड़ता है ना। तो मेरे लिए आज भी आसान है। देखे ना मैं आज बड़े आसानी कह दूँ कि यार गली मोहल्लों को तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनके साथ भी इंगेज करूँ। मैं ढक्कन क्यों करूँ गली मोहल्ले के, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ शहर के मसाइल हल हों। ना उम्मीदी ना बेचे, मायूसी ना बेचे, मिलकर काम करें। इख्तियार कानून के अंदर होता है, इख्तियार शख्सियात के अंदर होता है। अगर उनको पता हो उनका क्या काम है, क्या काम करना चाहते हैं और काम करना चाहें तो काम किया जा सकता है। वसीम अख्तर साहब बे इख्तियार थे लेकिन सारी मार्केटों को गिरवा दिया था उन्होंने। देखे ये अरे बड़ी बात है जी। नहीं नहीं आप क्या कहा आपने? नहीं आपने इससे पहले क्या कहा था? जी मैं करूंगा, मैं करूंगा। भाई ने कह दिया आप सोचिए सोचिए कि हम 50 लोग हैं, इसमें इतने मसाइल हो रहे हैं, हमारे साथ क्या होता है। अच्छा देखिए सर प्रोपराइटी है, मंजर भाई ने पहले सवाल पूछा था, अगर आप मुनासिब समझे तो पहले मैं जवाब दे दूं, उसके बाद फिर जो होंगे। हाँ बारी बारी मंजर क्या कहा था आपने? मैंने आपसे कहा था यार, मैं इख्तियार तो हूँ। हाँ मैं बा इख्तियार शख्स हूँ, मैं नजवी भाई के भी इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ,
करम अल्लाह की भी करता हूँ और ये लोग मेरे इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं। चोरों के लिए क्या सजा, मतलब कोई ना कोई मतलब अच्छा अब ढक्कन ये मैं इस मुल्क का मसला, हम ढक्कन चोर को गिरफ्तार कर लिया, कानून ये कहता है कि 24 घंटे में उसको अदालत में पेश करना है, हम उसको अदालत में पेश करते हैं। जब अदालत में पेश करते हैं तो जज साहब वो 144 की कार्रवाई होती है ना, 188 की, जज साहब कहते हैं इस मुल्क में दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, कत्ल व गारत के मुकदमात हैं, जायदाद के मुकदमात हैं, फैक्ट्रियों के मुकदमात हैं, कब्ज़ों के मुकदमात हैं। यार तुम मुझे ढक्कन चोरों के साथ फंसा रहे हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वाकया हुआ कि हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कहा कि जो बच्चे हैं ना जो भीख मांगते हैं इनको आप उठाइए, और हमने कोरंगी में एक सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया। जब पहली बार वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अदालत उनको लेके गया तो डांट पड़ी कि यार इतने अहम अहम मुकदमात हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत होती है, इसका कोई ना कोई मैं समझता हूँ हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। अभी हमने अपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एक नई तरमीम की है जिसके तहत म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स हम तैनात करने जा रहे हैं KMC में, तो हम फ़ाइन करने की पोजीशन में आ पाएंगे फिर कि अदालत जाए बगैर हम फ़ाइन करके रिकवरी कर सकते हैं, तो शायद कुछ उसमें बेहतरी आए। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, इसमें दिक्कत होती है। रिजवान भाई आप उनका जवाब दे दें कि आप बैन लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अच्छा एंटी साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी आवाज़ वैसी गूंजती है यार। एंटी साहब असल में ये तो अभी उन्होंने बोला भाई मेरे सामने, ये पहले से हमने शुरू किया हुआ, एक उन्होंने एक माइक्रोन का साइज दिया है, एक मोटा और पतला। हमें जो है बाकायदा पहले ही पाबंद किया, जो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद थे पहले भी, और उनके शुरू से मेयर साहब जब मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने पहले भी किया, और हमने तमाम मार्केटों में ये कह भी दिया, सर्कुलर भी कर दिया कि आप इतनी मोटी जो है आप वो जो है पहले इस्तेमाल कर सकते, अगर गवर्नमेंट कहेगी हम खत्म करने जाते हैं तो हम खत्म भी कर देंगे उसको। ये ले, ये हो गया ना। देखिए ये रवाबित का ये फायदा होता है, ये करके आपके पास आते हैं पीस। अब हो तो गया आपका, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। ये एक आप बा इख्तियार शख्स हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो कल वाकया हुआ, जो सियासी जमात का कारिंदा पकड़ा गया उसकी FIR कटी, जवाब देता हूँ। देखे इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना कि माफिया फायरिंग कर रही है और वाटर बोर्ड उनका सामना कर रही है। एक माफिया हाइड्रेंट चला रही है, सियासी वाबस्तगी है, उसके बावजूद वाटर बोर्ड ने कार्रवाई की। और देखिए मैं अगर इल्ज़ाम लगाऊंगा ना तो मुझ में और उनमें कोई डिफरेंस, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई हुई है, तस्वीर भी हैं, लेकिन मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं, मैं खिदमत की सियासत करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि जो इशू होगा, क्या पता वो जमात इस्लामी के लिए काम ना कर रहा हो यार, मैं क्यों किसी सियासी जमात को इसके साथ मुंसलिक करूँ। क्या पता उसका ज़ाती फेल हो, कुछ लोगों कुछ लीडरान की पब्लिसिटी के लिए वो खर्चे कर रहा हो, क्या पता। तो ये फैसला अदालत करेगी, मैंने कानूनी कार्रवाई कर ली, FIR काट दी है, पुलिस बैठी है, वो कार्रवाई करेगी, और अदालतों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अदालतें जो पानी चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब पहली बार मैंने कार्रवाई की तो मुझ पे यजीद का नाम दिया ना, किसने दिया था यजीद का नाम, ये जमात इस्लामी वालों ने दिया था ना भाई। ये उनसे पूछें कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट था कि जब पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो बजाय इसके तुम उसके साथ खड़े हो शाना बशाना, उसको सपोर्ट करो, तुम उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे हो। मुझे बताइए अगर 84 वाली लाइन के ऊपर कार्रवाई होती है तो उससे मेरा ज़ाती क्या फ़ायदा है, मैं तो जिस जगह रहता हूँ उस जगह तो वो लाइन नहीं आती है, मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदार भी वहाँ नहीं बसता होगा। लेकिन मुझे पता है शहरियों को मसला है, लोगों को तकलीफ़ है, मैंने लोगों की खातिर कार्रवाई करवाई, बजाय इसके ये लोग मेरे साथ खड़े होते, इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, धरने देने शुरू कर दिए। इनको बोलो ना आप धरना दो, जिसकी ये दुकान का इफ्तिताह कर रहे थे साहब, इनसे पूछें कि पूरे शारे फैसल में अपने बिलबोर्ड लगा देते हो। अभी बल्कि यहाँ मैं आ रहा था, यहाँ इधर रीगल के कोने पे, बंस रोड के कोने, भाई ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। तो भाई मैं समझता हूँ ये चीज़ों को ख़त्म करें, ये शहर हम सबका है,
इस शहर की आवाम हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं, मिलकर लोगों के मसाइल हल करें। और एक बार फिर कल हम अपने अमल से ये चीज़ साबित कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के मेयर नहीं हैं, हम कराची के मेयर। और कराची की हर यूसी, जिस यूसी में पीपल्स पार्टी हो, जमात हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, टीएलपी हो, सबको मुनसिफाना अंदाज से वो चीज़ दी जाएगी ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सकें। ये लास्ट करके फिर जी, मैं इसमें अगर नाम ले ले बेशक, चले ठीक है। देखे मैं देखे चले मैं अब मैं चले मैं अब जवाब दूं। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रिजवान भाई खुद क्लियर नहीं है। कानून सिंध का ये कहता था कि बायोडिग्रेडेबल बैग चल सकता है जो कि गालिबन 30 माइक्रोन वाला होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग जो है ना वो बैन है। जब मैंने बहैसियत वज़ीर एनवायरनमेंट ये बैन लगाया तो मुझे ग्राउंड रियलिटी ये नज़र आई कि माशाल्लाह हर बैग जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल हो गया, तो मुझे वो नुक्स नज़र आया। तो मैं जब KMC आया 2021 में तो मैंने कहा यार ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो शहर में नहीं चल सकता, ये होना चाहिए एब्सोल्यूट बैन जैसे इस्लामाबाद में किया गया। तो मैंने वो बैन लगा दिया, काउंसिल रेजोल्यूशन हमने पास की, अगर आप चाहेंगे काउंसिल रेजोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। और उसकी बुनियादी वजह विजडम ये था उस रेजोल्यूशन का, जैसा आपने खुद निशानदेही की कि लोग मिसयूज़ करते हैं उसको, तो हमने कर दिया एब्सोल्यूट बैन। कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि इतने पैसे आपको देंगे, आप अपनी रेजोल्यूशन को विड्रॉ कर लें। मैंने कहा यार इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए, बर्मला कह रहा हूँ, पैसे ऑफर हुए मुझे, मैंने नहीं किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अदालत गए, अदालत से उन्होंने स्टे ले लिया, उसको ख़त्म करा दिया। क्या कहा उन्होंने कि सर सिंध का कानून ये कहता है, कराची की काउंसिल रेजोल्यूशन ये कहती है, तो बराए मेहरबानी सिंध के कानून को फौकियत होनी चाहिए। अदालत ने उस कानून के बेसिस के ऊपर डायरेक्शन ये दी कि आप कार्रवाई करें लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर करें। अब ये मेरी लिमिटेशन है, मैं तो आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और मैं अपनी मार्केट में इसलिए मैंने कहा कि मैं उनसे वॉलंटरीली उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि वो वॉलंटरीली थैलियों के इस्तेमाल को ख़त्म कर दें। और यही चीज़ मैं रिजवान भाई से एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट पे अपनी जो मार्केट्स हैं उसमें अपने दुकानदारों को मेम्बरान को वो कह दें कि यार थैली हमारे पास नहीं चलेगी। हम ये एग्ज़ैम्पल सेट करें, और एग्ज़ैम्पल सेट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा अभी केयरटेकर काबीना आ जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जो रूल्स हैं उसको काबीना अमेंड कर सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट आ जाए। लेकिन मैं इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नहीं है, हमें एब्सोल्यूट बैन लगाना पड़ेगा। और अगर ये एब्सोल्यूट बैन लाहौर में लग सकता है, इस्लामाबाद में लगता है, तो हमारे कराची में क्यों नहीं लग सकता, हमें लगाना चाहिए। और मैं आपकी मदद चाहूँगा इस काम के लिए। बाकी आपने जो लाइनमैनों की बात दुरुस्त है, इनकी भी अपनी माफिया है, एक लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे दूसरा लाइनमैन कोई और लाइन मारेगा। मेरे ऊपर है कि आज मैं फैसला कर लूं कि हर एंड पे झगड़े शुरू कर दूं, या मैं अपनी फाइट को पिक करूं, बैटल को पिक करूं। हमारी इंतजामिया पिक करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, आज ये चैलेंज है, आज ये चैलेंज, आज ये चैलेंज। मुझे पता है कराची की सनतें पानी चुरा रही हैं, ये उन सनतकारों को भी पता है। आज कार्रवाई करेंगे तो आपके अखबार पर हेडलाइन आएगी,
नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर मेरे लिए देना मुश्किल है, लेकिन पानी चोरी हो रहा है ये आपको भी पता है मुझे पता है, सब सॉइल के नाम पे पानी चोरी हो रहा है इस शहर के अंदर। सुप्रीम हाँ मेरे लिए, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा फिर वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, हो रहा है कार्रवाई करूंगा तो मेरे खिलाफ जी। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टेज वाइज बाइफरकेट किया हुआ है, जहाँ जहाँ हमें इलीगल हाइड्रेंट नज़र आ रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल हाइड्रेंट्स के लिए मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, तकरीबन 150 हैं कराची शहर में, बिल्कुल करूँगा। ये पैसा ये पानी कराची की आवाम की अमानत है, किसी शख्स को ये पानी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। अगर वो उस पानी को इस्तेमाल करके अपनी सनत चला रहे, अपना बिजनेस चला रहे, उसको वाटर बोर्ड को पे करना चाहिए, वो पे करें ताकि फिर गरीब इलाकों को आप कॉम्पनसेट कर सकें किसी और तरीके से। ये नहीं हो सकता कि आप मुस्तफीद भी हों और पेमेंट भी ना करें आप, तो ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इन मुश्किल फैसलों को किए बगैर हम इस शहर को आगे नहीं लेकर चल सकते। मैं उस माफिया का हिस्सा नहीं हूँ, नजमी साहब करम हम इस माफिया का हिस्सा नहीं है, हम चाहते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, और माफिया कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी इस आवाम का है, इसको मिलना चाहिए। आप निशानदेही करते जाएं मेरे पास एविडेंस, देखें अगेन मैं हवा में तीर नहीं चलाऊंगा, मुझे आप निशानदेही करें, मैं उसकी डिस्क्रीट इंक्वायरी कराऊंगा, जो जो बंदा इस जुर्म में मुलव्वस है कार्रवाई की जाएगी। मैंने नया वाटर बोर्ड का कानून जो पास कराया ना, उसके अंदर हमें सख्त सजाएं, सख्त फाइन, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने का इख्तियार है। मुझे अंदाज़ा है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की जल्दी है, और मैं अगर किसी भी एक सनत का नाम लूँगा तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। मैं जब तक मेरे पास प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हुआ किसी फैक्ट्री के बारे में, मैं ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन आप इस बात को पता है आपको कि प्राइवेट पानी के ऑपरेटर्स चल रहे हैं जो हमारा पानी चुरा के उन फैक्ट्रियों को भिजवा रहे हैं। मैं केएमसी की वेबसाइट पे मैं केएमसी की वेबसाइट पे अपनी जो सड़कें हैं ना, कराची का एक मैप हम आइंदा चंद हफ्तों में महीनों में पब्लिश करेंगे, जो कि केएमसी का एरिया उसके अंदर हाईलाइट करेगा। उस केएमसी के एरिए के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक मंसूबा हम लेके आ रहे हैं जिसके तहत सड़कों को भी मोटरेबल किया जाएगा, और जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक करोड़ रुपए ऑफर हुई थी मुझे, कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा लेकिन प्राइवेटली बताऊंगा। वो देखिए, ये हमारे मेयर के इलेक्शन से पहले मुर्तजा साहब ने बकायदा मीडिया में कहा था कि मैं चार्टर ऑफ कराची करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो नई भी है हाउस में, जिनके रिप्रेजेंट हम उनके साथ भी बैठने, क्योंकि वो शहर के हैं, ये शहर के स्टेक होल्डर हैं, हम सबके साथ मिला के करना चाहते हैं ताकि एक लाइन ऑफ एक्शन बन जाए कि हमें ये करना है कराची में। आज हमें कलम नहीं होंगे। चार्टर ऑफ कराची क्या है? मिलकर काम करना ना। तो कल तो हम सबूत दे रहे हैं कि हमारे नज़दीक कोई डिफरेंस नहीं है सियासी जमात में। हम हर सियासी जमात के रुकन को बुला रहे हैं, यूसी चेयरमैन को बुला रहे हैं, ताकि वो आए, वो फैसिलिटी ले और अपने लोगों की खिदमत करे। ये है चार्टर ऑफ कराची, आइए मिलकर बैठकर काम कीजिए, मिलकर काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी बरकत देगा इंशाल्लाह। एज ए बिहाफ सदर मोहम्मद रिजवान इरफान, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके हर नेक काम में हम आपके साथ खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले हाथ उठाएंगे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। रही बात हमारे सदर साहब ने प्लास्टिक बैग का बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने मोबाइल वाले यहाँ बैठे हैं उनसे मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए बिहाफ ऑफ रिजवान इरफान सलीम मेमन, के अल्लाह के वास्ते कल से आप ये प्लास्टिक बैग खत्म करें। जबरदस्त, हम इसका सर्कुलर निकालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, बोलो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।
चलो मैं माजरत चाहता हूँ मुर्तजा बहार साहब को, कहीं और भी जा रहे हैं। कोई भी आपको कहे ना तो बारिश हो जाए पानी नहीं आएगा ना, गलत है। पॉइंट ये है पानी आए, पानी निकल जाए, पानी आया दो घंटे में निकल गया, तब की बात।